जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा है। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है, तो अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पटना में लगाए गए इन पोस्टरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। पोस्टर में लिखा गया है कि पीएम अपने दोस्तों के साथ ईडी सीबीआई कब भेजेंगे। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अकूत संपत्ति की लड़ाई पोस्टर पर आई। सीबीआई ईडी की कार्रवाई से आरजेडी तिलमिलाई। 600 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, 1 करोड़ कैश किसका? डॉलर सोना सिक्के जब्त, शिकंजा सख्त। लैंड फोर जॉब घोटाले में लालू परिवार और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर रेड मारी गई। ये छापेमारी लालू यादव के बेटे बेटियों और करीबियों के ठिकानों पर की गई। शुक्रवार को हुई ईडी की रेड में करोड़ों की संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। 1 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है, $1900 के साथ 540 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। जांच में ईडी ने करीब 600 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाया है, जिसमें 350 करोड़ की अचल संपत्तियां और 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, जिसे कई बेनामीदारों के जरिए बनाया गया है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 का जो 4 मंजिला बंगला है, वो एवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम है, जिसका इस्तेमाल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करते हैं। इस बंगले की कीमत करीब 150 करोड़ है, लेकिन इसे महज 4 लाख रुपए में लिया गया था। दूसरी ओर सीबीआई भी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, तो सीबीआई को तोता बताया गया है। इस पोस्टर के मायने यही है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं 2024 का, तो यह सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर उसको सारे विपक्षी दलों के दिमाग को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस सीबीआई या ईडी के तरफ, और अपने बैटिंग करना चाह रहे हैं और बैटिंग करके प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। एक तरफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई से आरजेडी बौखलाई हुई है, तो दूसरी ओर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा है कि इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार खुश हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस इसे पुराना केस बता रहे हैं। $2000 विदेशी मुद्रा और 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अवैध संपत्ति का कागजात और ईडी को मिला है। इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये तो पुरानी बात है, ये कोई नई बात है। सीबीआई का रेट, ईडी का रेट कोई नई बात है, 1996 से चल रहा है बिहार में। 96 में पशुपालन घोटाला हुआ, उसमें लालू जी पर ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, फिर अभी रेलवे का मामला आया है, इसमें केस हो रहा है। तो जो शिकायतकर्ता उस समय में था वो आज उनके दल में है। सीबीआई ईडी की कार्रवाई तेज है, अभी तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो सकती है। आरजेडी का दावा है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। तेजस्वी यादव देश के आइकन है, देश में 1974 जैसे आंदोलन की जरूरत है। बड़ी चीज है कि 30 वर्षों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, 30 वर्षों से। और जब से बीजेपी और एनडीए की सरकार आई है, तब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों पर हमेशा पूछताछ, छापा पड़ना, सीबीआई का हो, ईडी का हो, आईटी का हो, जैसे भी हो, किसी तरह उनको फंसाने की साजिश चल रही है। हालांकि आरजेडी के इस पोस्टर से जेडीयू ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को पर्सनल टॉर्चर कर रही है। किसी पोस्टर का, राजद के नेता के द्वारा किसी पोस्टर का जिक्र किया जा रहा है, तो पोस्टर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन वो पोस्टर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार केवल नहीं है
और पोस्टर में क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता। इस पोस्टर से जदयू का कोई लेना देना नहीं है। जांच के नाम पे जो व्यवहार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ किया, उनकी गर्भवती पुत्र वधु को 15-15 घंटे बेजा बिठाए रखा, मेंटली टॉर्चर करते रहे, छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर करते रहे, उससे तो ये साफ विदित है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को बिलो द बेल्ट पर्सनल टॉर्चर करना चाहती है। नौकरी के बदले जमीन केस में 15 मार्च को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 14 आरोपियों की पेशी है। सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है, यानी अभी 15 मार्च तक सीबीआई ईडी एक्शन में रह सकती है। निषेध, जी मीडिया, पटना। भागलपुर में पूर्व उप